हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद आप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, थंबनेल देखे तो आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 5 बेस्ट AWM के बारे में। तो गाइस, वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, तो गाइस नंबर 5 में जो AWM आती है वो है वैलेंटाइन AWM। और गाइस, इसका लुक वगैरह तो देख सकते हो। और एट्रीब्यूट्स की बात करूँ तो सिंगल रेट ऑफ फायर, रीलोड स्पीड प्लस और मैगजीन माइनस देखने को मिलता है। अब इसका ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर गेम प्ले वगैरह भी डैमेज वगैरह टेस्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हो, बिना वेस्ट के हेलमेट के 1100 का डैमेज देखने को मिल रहा है और 300 का डैमेज देखने को मिलेगा बॉडी पे। बाकी इसका नॉर्मली डैमेज है, जैसे नॉर्मल AWM देती है कि बिना स्किन की, वैसे डैमेज आपको देखने मिलेगा क्योंकि उसमें डैमेज प्लस नहीं है, सिर्फ रेट ऑफ फायर प्लस है और रीलोड स्पीड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 500 से ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा लेवल 3 के हेड में। और भाई बॉडी की बात करें तो बॉडी भी ठीक ही डैमेज देखने पड़ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो लेवल 4 में भी अच्छा डैमेज मिल रहा है और बॉडी पे 106 का डैमेज देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल डैमेज रहा, तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी डैमेज देख सकते होगे। तो यहाँ पे लेवल 2 के वेस्ट में भी देख सकते हो, लॉन्ग में 102 का डैमेज देखने मिल रहा है। और बाकी बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 150 का डैमेज देखने मिल रहा है। तो इसका डैमेज वगैरह तो ठीक है, इसमें बस रेट ऑफ फायर आएगा इसलिए इसका नॉर्मल डैमेज देखने मिलेगा। वैसे AWM तो 2 ही गोली में बंदे को खत्म कर देती है, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास डबल रेट ऑफ फायर है तो वो भी ठीक है। अगर आप क्विकली स्विच करते हो AWM तो आपके लिए डबल रेट ऑफ फायर बहुत अच्छी है। और ये वाली स्किन भी अच्छी है क्योंकि सिंगल रेट ऑफ फायर भी बहुत कम नहीं है। और गाइस, अगर आप में डैमेज है तो डैमेज तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि AWM में डैमेज ही चाहिए। इसका नॉर्मल डैमेज तो 150 का पड़ता ही है। डैमेज रहेगा तो ज़्यादा बंदा अगर थोड़ा सा भी डैमेज होगा तो वो एक गोली में ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्किन तो मेरे को ठीक लगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्किन की ओर। नंबर 4, तो गाइस नंबर 4 में जो आती है वो है टाइटेनियम AWM। और गाइस, इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो सिंगल डैमेज देखने को मिलेगा, डबल रिलोड स्पीड मिलेगी और एक्यूरेसी माइनस देखने को मिलेगा। और गाइस, ये वाली इनक्यूबेटर की लास्ट वाली स्किन है कि देख सकते हो उसका लुक वगैरह। आप इसका डैमेज वगैरह देख सकते हो, 171 ऐसा डैमेज देखने मिल रहा है हेड में। और भाई बॉडी में 319 का, मतलब देख सकते हो सिंगल डैमेज है इसलिए 19 का प्लस डैमेज देखने को मिल रहेगा। वही लेवल 3 के बेस्ट हेलमेट में भी देख सकते हो 500 का डैमेज देखने को मिलेगा और बेस्ट में 125 का, उसमें 116 का डैमेज मिल रहा है, इसमें 125 का, तो बहुत अंतर है। और यहाँ पे देख सकते हो 113 का बॉडी में पड़ेगा, वो भी लेवल 4 के बेस्ट में, मतलब उसमें 102 का हेड पड़ रहा है और इसमें मतलब डैमेज पड़ रहा है और इसमें 113 का डैमेज देखने को मिल रहा है। और बाकी यहाँ पे बॉडी की बात करें तो 160 का डैमेज आपको देखने मिलेगा, 160 से बस 1% कम, मतलब 1 ही डैमेज कम। तो यहाँ पे देख सकते होगे 159 का डैमेज देखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस ए प्लस होने के कारण इसमें 160 का डैमेज देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे 159 का डैमेज देखने को मिल रहा है। सिंगल डैमेज वाली ज़्यादातर गन 160 का डैमेज देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 159 का, पता नहीं ऐसा क्या है इस AWM में। तो यहाँ पे इसका डैमेज वगैरह तो मेरे को ठीक लगा, रिलोड स्पीड डबल हैगी तो वो भी ठीक है। सिंगल डैमेज और डबल रिलोड स्पीड और क्या चाहिएगा इस AWM में, 2 गोली में तो बंदा मर ही जाता है। बाकी इसका अगर बिना वेस्ट है तो 262 का लॉन्ग में डैमेज देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो 200 का भी डैमेज देखने मिल रहा है। तो इसका डैमेज वगैरह भी ठीक ही लगा मेरे को। और गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये स्किन आपको परमानेंट निकली है और कितने स्पिन में निकली, कितने डायमंड खर्च किए या फिर इनक्यूबेटर वाउचरी में निकली, वो भी जरूर से बताना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 3 की ओर। नंबर 3, तो गाइस नंबर 3 में जो AWM आती है वो है चीता स्विफ्ट वाली AWM। और गाइस, इसमें आपको देखने को मिलेगा डबल डैमेज। और भाई इनक्यूबेटर की AWM जो है कि सेकंड वाली ग्रीन कलर की, तो इसमें देख सकते हो डबल डैमेज देखने को मिलेगा, रेंज प्लस मिलेगा और मूवमेंट स्पीड माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम डैमेज उसका रहेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे रेंज प्लस है, मतलब रेंज के कारण क्या रहता है, अगर लॉन्ग रेंज में भी बंदा है तो आपका डैमेज कम नहीं होगा, उतना ही डैमेज देखने को मिलेगा। बाकी इसका ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ देख सकते हो 330 का डैमेज देखने को मिल रहा है डबल डैमेज के कारण। बाकी ठीक ही डैमेज लगा, सिंगल डैमेज के मुकाबले ठीक ही हैगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि वैसे 330 का डैमेज यहाँ पे देखने मिल रहा है और हेड में 1200 का डैमेज मिल रहा है। अब भाई लेवल 3 का बेस्ट हेलमेट करके देखते हैं कि उसमें कितना डैमेज देखने मिलता है। तो यहाँ पे लेवल 3 का बेस्ट हेलमेट कर लिया हूँगा। अब इसका डैमेज देखते हैं हेड में, कि हेड में अपन को यहाँ पे मिल रहा है 575 का डैमेज। अब यहाँ पे बॉडी की बात करें तो 129 का डैमेज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे लेवल 4 का बेस्ट करते हैं कि लेवल 4 में कैसा डैमेज आएगा। तो यहाँ पे पहले लेवल 4 के बेस्ट में देख सकते हैं 117 का डैमेज देखने को मिल रहा है। और भाई हेड की बात करें तो 500 से ज़्यादा ही का हेड पड़ेगा इसमें। तो ये स्किन भी ठीक ही है, आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर भी देख सकते हैं इसका डैमेज वगैरह। 165 का नॉर्मल, मतलब डबल डैमेज है तो 165 का डैमेज देखने को मिलेगा, मतलब बंदा हल्का सा भी डैमेज आएगा 30% SP का भी, तो यहाँ पे बंदे को आराम से आप ख़त्म कर सकते हो कि सिर्फ एक ही गोली मार के। तो ये वाली स्किन तो गाइस कमाल किएगी, अगर जिसके पास भी है तो भाई वो उससे थोड़ा दूरी रहे, क्योंकि अगर उसको कितने एक गोली भी मार दी तो आप
तीन चार मेडिकेट भरना जरूरी रहेगा, वरना आप यहाँ पे ख़त्म हो जाओगे। बाकी इसका लॉन्ग रेंज में भी 289 का भी डैमेज देखने को मिलता है आपको, और वो गाइस हेड भी देख सकते होगे 890 का डैमेज मिलेगा, वो भी लेवल 4 के में, वो भी ट्रेन ग्राउंड के अंदर। यहाँ पे देख सकते होगे इसका डैमेज वगैरह तो मेरे को ठीक लगा। तो गाइस ये वाली स्किन आपके पास है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2, तो गाइस नंबर 2 में जो AWM आती है कि वो है लकी कोई AWM, और इसके एट्रीब्यूट्स में आता है डबल रेट ऑफ फायर, आर्मर पेनिट्रेशन और रिलोड स्पीड माइनस। और गाइस ऐसी स्किन का मतलब एट्रीब्यूट्स हैगा इनकोवेटर की टॉप वाली स्किन में, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डबल रेट ऑफ फायर देखने मिल रहा है, आर्मर पेनिट्रेशन मिल रहेगा और मूवमेंट स्पीड माइनस देखने को मिल रहा है। इसमें रिलोड स्पीड माइनस है, उसमें मूवमेंट स्पीड, तो गाइस इसमें ज़्यादा फर्क नहीं मिलने रहेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो डैमेज वगैरह बिल्कुल सेम ही रहेगा, जैसे इसका डैमेज है वैसे ही वो वाली AWM के आपको डैमेज देखने को मिलेगा। इसमें देख सकते हो डैमेज आपको 300 का डैमेज देखने को मिल रहा है, और भाई लेवल 3 का वेस्ट करता हूँ तो देख सकते हो वेस्ट में ज़्यादा आपको डैमेज देखने को मिलेगा। इसमें 648 का डैमेज देखने को मिल रहा है, और वेस्ट में देख सकते हो 157 का डैमेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज है। और लेवल 4 के में भी देख सकते हो 148 का डैमेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस बहुत ही ज़्यादा है इसमें। तो गाइस ये वाली स्किन बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। और गाइस अब यहाँ पे आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे 150 का डैमेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि AWM का यही रहता है आपका ज़्यादा बहुत ही कम रहता है कि वेस्ट में लगे आपका डैमेज, बाकी बॉडी वॉडी में लगता है इधर उधर। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे उसमें दिख रहा था ज़्यादा डैमेज, लेकिन यहाँ पे 150 का डैमेज ही आपको देखने को मिल रहा है, तो यही रहता है AWM में। इसलिए गाइस इसे मैंने नंबर 2 में रखा हूँ, भला ही ये इनक्यूबेटर में टॉप 1 पे है, लेकिन गाइस मैंने नंबर 2 में रखा हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हो 200 का भी डैमेज पड़ेगा बिना वेस्ट के, और यहाँ पे हेड वगैरह बहुत अच्छे पड़ रहेंगे, और डबल रेड फायर के कारण इसमें क्विकली एमो निकाल रही है कि तो बहुत अच्छा है। अगर आप जल्दी जल्दी स्विच करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बाकी आप सिंगल AWM चलाते हो तो ये थोड़ा आपके लिए ठीक हैगी। तो मेरे को इसका डैमेज वगैरह तो ठीक लगा, और गाइस आपको कैसा लगा? और गाइस अगर आपके पास ये वाली AWM है तो आप इनकोवेटर की मत निकालना, क्योंकि ये वाली स्किन ही आपके पास टॉप वाली है एक तरह से, यही सोच लेना। तो गाइस ये वाली स्किन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं नंबर 1 की ओर। नंबर 1, तो गाइस नंबर 1 में जो AWM आती है वो है फ्रिंकाजन AWM, और गाइस इसके एट्रीब्यूट्स की बात करें तो डबल डैमेज देखने को मिलेगा, रिलोड स्पीड प्लस मिलेगा और मैगजीन माइनस मिलेगा। और गाइस ये वाली जो AWM है ना, ये फेडेड व्हील में आपको देखने को मिली रही, तो गाइस ये वाली देख सकते हो इसका 1210 का डैमेज आपको पहले देखने को मिलेगा, और वही बॉडी की बात करें तो 165 का डैमेज नहीं 330 का डैमेज मिलेगा, क्योंकि बिना वेस्ट है का सॉरी कभी कभार हो जाता है। तो यहाँ पे आप लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट देख लेते हैं कि लेवल 3 के वेस्ट हेलमेट में कैसे डैमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 129 का डैमेज देखने को मिलेगा, वो भी वेस्ट में, और यहाँ पे 575 का डैमेज देखने को मिल रहा है। अब भाई लेवल 4 का वेस्ट में हेलमेट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि 530 का डैमेज देखने को मिलेगा, और वही बॉडी में 117 का, बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको डबल डैमेज वाली स्किन दिखाया रहा AWM की, वैसे ही इसका डैमेज आएगा, क्योंकि उसमें भी डबल डैमेज है और इसमें भी डबल डैमेज है। तो यहाँ पे देख सकते हो 165 की आपको डैमेज देखने को मिलेगा, क्योंकि डबल डैमेज में आपको 165 ही का डैमेज देखने को मिलता है AWM में। तो यहाँ पे इसमें रिलोड स्पीड प्लस है तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा, अगर आप डबल चलाते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अगर सिंगल भी चलाते हो तो भी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। अगर डबल रेड जो डबल चलाता है उसके लिए सबसे बेस्ट स्किन है दिवाली। तो गाइस यहाँ पे इसका डैमेज वगैरह तो डबल है तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी बंदा डैमेज होगा तो आप एक ही गोली मार के उस बंदे को खत्म कर सकते हो। बाकी इसमें जानते ही होगे AWM की कोई सी भी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। बाकी यहाँ पे आपको देख सकते हो कि एक दो ही गोली में तो बंदा मरता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि इसमें डैमेज डबल हैगा। तो ये स्किन मेरे को वन ऑफ द बेस्ट स्किन लगी। तो गाइस ये वाली स्किन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये स्किन आपके पास है या नहीं वो भी जरूर से बताना। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन पर सेट कर देना, जिससे हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।